तो दोस्तों, अपनी ई पासबुक को एक्सेस करने के लिए आपको गूगल में इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, या फिर जो मैंने आपको लिंक बताया है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको वही वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो चलिए गूगल पे यहाँ पे इंडिया पोस्ट टाइप कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे इंडिया पोस्ट की मेन जो वेबसाइट है www.indiapost.gov.in, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये इंडिया पोस्ट की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको स्क्रॉल करके ये जो 3 लाइंस दिख रही होंगी, आपको इन 3 लाइंस पे क्लिक कर देना है। तो जब इन 3 लाइंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए बैंकिंग और रेमिटेंस का ऑप्शन दिखेगा। देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बैंकिंग एंड रेमिटेंस लिखा है। उस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो उस पर क्लिक करने के बाद में आपको देखिए यहाँ पे ई पासबुक का ऑप्शन आएगा। जो ये ई पासबुक यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है यहाँ पे ओके करना पड़ेगा, एक नई एक्सटर्नल जो है वेबसाइट उस पर आपको लेके जाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी IPPB की, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पोस्ट ऑफिस सर्विसेज POSB सेवा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आएगा। तो चलिए वो प्रोसेस भी आपको शेयर करेंगे। तो यहाँ पे पहले मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करेंगे, आपको OTP आएगा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। आपको यहाँ पे OTP यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए OTP एंटर करके सबमिट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप OTP से वेरीफाई कर लेंगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी वेलकम टू पोस्ट ऑफिस सर्विसेज POSB सेवा। यहाँ पे ऊपर आपको लॉगआउट का बटन भी दिख रहा होगा, वहाँ से आप लॉगआउट कर सकते हैं। उसके बाद POSB की ई पासबुक को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है POSB ई पासबुक क्लिक हेयर, तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, उस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। स्कीम टाइप आपको यहाँ पे दिखाई देगा, अकाउंट नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा। तो यहाँ पे आपको स्कीम टाइप में सारी स्कीम्स दिखाई देंगी। तो देखिए यहाँ पे सीनियर सिटीजन की स्कीम है, PPF है, सुकन्या, NSC, KVP, और ऊपर आप देखेंगे तो टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। तो यहाँ पे जिस भी स्कीम की अकाउंट की आपको डिटेल चेक करनी है, वो स्कीम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए, अगर सेविंग्स अकाउंट की स्टेटमेंट आपको चाहिए तो POSB अकाउंट की ई पासबुक के लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक कर देना है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। उसके बाद में आपको सेकंड में अकाउंट नंबर दिख रहा होगा, उसमें आपको अकाउंट नंबर आपका टाइप करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद में देखिए, हमने स्कीम टाइप में SB अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लिया है, अकाउंट नंबर में अपना सेविंग्स का अकाउंट नंबर टाइप कर लिया है, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आपका फिर से वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिस पे OTP आया था वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद में कैप्चा पे आपको यहाँ पे एज इट इज़ कैप्चा यहाँ पे टाइप कर देना है, और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, आपको वो OTP एंटर करके यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप OTP को वेरीफाई करेंगे, सबमिट करेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट का। अगर आपको बैलेंस की इंक्वायरी करनी है तो फर्स्ट पे क्लिक करना है, अगर मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो उस पर लास्ट की 10 ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए पहले बैलेंस इंक्वायरी आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करते ही आपको बैलेंस इंक्वायरी सक्सेसफुल लिख के आएगा और डेट दिखाई देगी, उसके नीचे आपका जितना बैलेंस होगा वो बैलेंस आपको दिखाई देगा, नीचे अकाउंट आईडी आपको दिखाई देगी। उसके बाद बैक करने के लिए ऊपर गो बैक का बटन है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। चलिए अपनी मिनी स्टेटमेंट को एक्सेस करके देख लेते हैं। अभी मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो लास्ट की जो 10 ट्रांजेक्शन्स है वो आपके सामने आ जाएंगी। आप यहाँ से लास्ट की 10 ट्रांजेक्शन्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ऊपर देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आप इस स्टेटमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए किसी और अकाउंट की डिटेल आपको दिखाते हैं, किसी और अकाउंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं जो वहाँ पे लिस्ट में अभी आपको दिखाए थे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे गो बैक पे क्लिक कर लेना है।
तो चलिए दोस्तों, इस बार स्कीम टाइप में एनएससी का अकाउंट नंबर टाइप करके उसकी डिटेल्स देखते हैं। स्कीम टाइप में आपको एनएससी सेलेक्ट कर लेना है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आपको अपना अकाउंट नंबर एनएससी का वो टाइप कर देना है और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और फिर से वही कैप्चा आपको वहाँ पर टाइप करके और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबमिट पे क्लिक करते ही फिर से आपके पास ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी की वेरिफिकेशन कर लेनी है और उसके बाद यही भी बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट आएगी। तो बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए आपको बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस इंक्वायरी सक्सेसफुल आ जाएगी, आपको अमाउंट जितना होगा आपको उस अकाउंट में वो अमाउंट आपको दिखाई देगा एनएससी के अकाउंट में। तो ऊपर गो बैक का बटन है, वापस जाने के लिए आप गो बैक के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको मिनी स्टेटमेंट जैसे सेविंग्स की आपने चेक करी थी वैसे ही चेक करने के लिए मिनी स्टेटमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो अभी मिनी स्टेटमेंट दोस्तों एनएससी के अकाउंट की अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पर देखिए मैसेज आएगा, मिनी स्टेटमेंट इज़ करंटली नॉट अवेलेबल फॉर दिस स्कीम। ठीक है, तो अभी आपको मिनी स्टेटमेंट सेविंग्स अकाउंट की, सुकन्या अकाउंट की और पीपीएफ अकाउंट की मिलेगी, लेकिन बाकी की जितनी स्कीम्स हैं उनकी आपको मिनी स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। उसका आप सिर्फ वहां से बैलेंस चेक कर सकते हैं सभी स्कीम्स का। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अभी ई पासबुक का यूज़ करके आपके किसी भी अकाउंट का, पोस्ट ऑफिस का, सेविंग्स का, सुकन्या का, पीपीएफ का या फिर कोई भी अकाउंट हो आपका किसी भी स्कीम का, तो बैलेंस इंक्वायरी सभी स्कीम्स की आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है या चेक करनी है तो मिनी स्टेटमेंट फ़िलहाल अभी आपको सेविंग्स की, पीपीएफ की और सुकन्या की अवेलेबल है, बाकी की धीरे धीरे जो है वो शुरू हो जाएगी, फेज़ में स्टार्टिंग होगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपने किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।